वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं दे दूं, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना शुरू कर चुके हैं तो आप इसके नोट्स ले सकते हैं डीजीटी पीजीटी पीआरटी वाले मात्र 199 में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया, वहां से बाई कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455287793 इस नंबर पर मैसेज करिएगा। 199 में आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो कंप्लीट नोट्स हैं तुरंत यहां पर दे दिए जाएंगे। आप अभी से तैयारी करिए, चूंकि अब 5 अटेम्प्ट भी यहां पर हो चुके हैं, उसका प्रूफ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और एमएमई टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती अभी जिसकी परीक्षा 15 मार्च को हुई है, पीआरटी और जूनियर वाली, उसका पेपर यहां पर लीक हो चुका है। कई खबरें आई हुई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और अब यहां पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रूफ देने वाला हूं कि पेपर आपका कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, किन किन अभ्यर्थियों के पास पहुंचा, और 10 से 15 लाख में पेपर आपका यहाँ पर बिका हुआ है। पेपर का जो KH कोड वाला पेपर था वो यहाँ पर लीक हुआ है, और एम्बुलेंस में बैठ करके जो अभ्यर्थी थे वो पेपर को यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, पूरी जानकारी आ चुकी है। और अब इसकी परीक्षा जो हुई है इस पर संशय बन चुका है, यानी परीक्षा आपकी रद्द होने की पूरी जो है पूरी यहाँ संभावना बनी हुई है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम दे करके आए हुई हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि अभी एक नया वीडियो आने वाला है जिसमें हम कट ऑफ को बताएंगे कि क्या कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। फिलहाल जो पेपर लीक हुआ है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि पेपर लीक हुआ है तो लिहाजा अगर सरकार जांच करे, अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, जांच करके इस परीक्षा में अगर धांधली हुई है तो उसको रद्द करना चाहिए, नहीं तो जो लाखों युवा हैं जो गए एग्जाम देने के लिए उनके फिर मेहनत पर जो पानी है वो यहाँ पर फिर जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखिए शुरुआत कर, यहाँ पर देखिए आज तक की तरफ से लिखा कि बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम परीक्षा से पहले पेपर का लीक का शक, पुलिस ने 200 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को होटल में रोका। शिक्षक भर्ती पेपर का परीक्षा लीक हो गया की तरफ से यहाँ पर लिखा गया, और जो पेपर है उसके जो क्वेश्चन हैं वो एडमिट कार्ड पर बाकायदा जो है उसका जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा गया था। आगे हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर की तरफ से आज ही लिखा गया है 3 घंटे पहले कि पेपर जो है 10 से 15 लाख में जो है यहाँ पर डील डन हुई थी। एम्बुलेंस से 400 कैंडिडेट को एक जगह जो है सॉल्व कराकर जो है क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पर दिया जा रहा था, और उसका जो कोड था KH था। तो कोई भी सिंगल पेपर अगर लीक होता है, चूँकि कोड KH वाला लीक हुआ, लेकिन जितने भी उस कोड से पेपर बने होंगे बस क्वेश्चन जंबल होते हैं, लेकिन होते वही हैं जो कि सिंगल सिंगल सेट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए सॉल्व हो रहा था पहले ही। तो इस परीक्षा में पूरी तरीके से इस न्यूज के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पूरी जो परीक्षा है उसमें यहाँ पर धांधली का आरोप लगा है, और पेपर यहाँ पर 100% इस न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर लीक हुआ है। पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ है, ऐसी जो है अपडेट यहाँ पर आई हुई है। पुलिस बिहार और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 24 घंटे के भीतर ही सॉल्वर गैंग नेटवर्क के लगभग 250 कैंडिडेट को हिरासत में लिया गया है, और ये बताया गया है जो कैंडिडेट यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे उनके किसी के पास भी मोबाइल फ़ोन नहीं था, क्योंकि सभी को पता है कि मोबाइल फ़ोन से सारी चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं। तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, उन 400 अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है आगे, आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए ये जो एक अभ्यर्थी है वो एडमिट कार्ड प्रिंट करके लेकर के आया था। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से जो इसके आंसर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें मैं पढ़ सकता हूँ। नीरज है, 28 मई है, 23 अगस्त है लगभग है, वसुधे 2000 है, 21% है, सोम मंडल है, जनसंख्या है 2 अक्टूबर। आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लगभग सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए ये आवश्यक दिशा निर्देश हैं, और इस पर किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है इनके आंसर को प्रिंट किया गया है। तो आप देख सकते हैं एक तरीका जो है किस तरीके से यहाँ पर जो है पेपर लीक हो रहा है। इससे पहले बिहार में अभी दरोगा वाला पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ, पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप लगे, और बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो धांधली के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, साक्ष्य आप सभी के सामने यहाँ पर हैं। फिर देखिए आगे इसमें लिखा गया, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक की आशंका, 300 परीक्षार्थी हिरासत में लिए गए हैं। और यहाँ पर कहा गया है आज के समाचार पत्र के माध्यम से, परीक्षा रद्द होगी या नहीं आज इस पर फैसला होगा, इस पर जो है डिसीजन लिया जाएगा, मीटिंग होगी और चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। और मेरे हिसाब से 101% इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए, चूँकि पेपर लीक हुआ है जो सभी खबरें आ रही हैं और सभी साक्ष्य जो इकट्ठा किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑल ब्रांचेस करके कोई है, जहाँ पर 11:14 पर ही
पेपर को जो है व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर सेंड किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा है, उपयुक्त सभी 28 मई 23 अगस्त जो पेपर आपका हुआ है पेपर उसी में सारे क्वेश्चन जो आए हुए थे वो यहाँ पर हूबहू दिखाई पड़ रहे हैं। ये कोई राहुल कुमार पांडे हैं जिनकी तरफ से फॉरवर्ड किया गया है, नंबर को यहाँ पर हाइट पहले से ही कर दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं था जिस जो इस पेपर में ना हो, सब कुछ इसमें जो है आंसर दिए गए हैं। तो ये सभी कुछ मैं प्रूफ आपको दिखा पा रहा हूँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मेरे ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में मुझे मिले हुए हैं, उनके माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि पेपर यहाँ पर लीक हुआ है, सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और अगर लीक है तो इस पेपर को दोबारा से यहाँ पर जो है करवाना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ।